हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड एंड राइट। फ्रेंड्स, मैं आपको ओलिवर ट्विस्ट करा रही थी। ये इसका फिफ्थ चैप्टर है। जैसा कि फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फैगिन ने ओलिवर को जिन हॉट वाटर के साथ दे दी थी, तो अब हम लोग फिफ्थ चैप्टर में आ गए हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। धीरे धीरे करके 26 चैप्टर्स के कवर कर लेंगे हम लोग। तो आइए, ये चैप्टर फिफ्थ है ओलिवर ट्विस्ट का, क्लास 7। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओलिवर्स बिकम्स फैगिन्स पीपल। ओलिवर स्लेप्ट टिल लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ओलिवर अगली सुबह देर तक सोता रहा। ही ओपन्ड हिज आइज बट ही फेल्ट टू स्लीपी टू मूव। वो इतना अपने आंखें अपनी खोली, लेकिन वो बहुत ही स्लीपी अपने आप को महसूस कर रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ही ले देयर हाफ अस्लीप, और वो वहां पे लेटा रहा, आधा सोता ही रहा, आधा जागा था आधा सो रहा था। देयर वॉज नो वन इन द रूम बट द ओल्ड मैन, और कमरे में कोई भी नहीं था सिवाय उस बूढ़े व्यक्ति की। ही वॉज स्टैंडिंग बाय द फायर मेकिंग कॉफी। वो आग के सामने खड़ा होकर के कॉफी बना रहा था। ही लुक टूवर्ड्स ओलिवर हू वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, और ओलिवर की तरफ देख रहा था स्टैंडिंग बाय द हू वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल। देन ही क्रेप्ट क्वाइटली टू द डोर एंड लॉक्ड इट। ही तो फिर धीरे से वो डोर के पास गया और उसको लॉक कर लिया। ही बेंड डाउन एंड लिफ्टेड अ ब्रिक अप फ्रॉम द फ्लोर, और फिर धीरे से झुका और नीचे से एक बक्सा निकाल लिया फ्रॉम द होल अंडर नेथ। ही टुक आउट अ बॉक्स, एक बॉक्स निकाल लिया। ही कैरिड दिस केयरफुली टू द टेबल एंड देयर ही अनलॉक्ड इट। वन बाय वन ही टुक आउट इट्स कंटेंट्स, और एक के बाद उस बक्से के अंदर जो भी सामान रखा था धीरे धीरे करके एक के बाद एक उसको निकालने लग गया। ओलिवर वॉज्ड हिम इन एस्टोनिशमेंट। ओलिवर वो सब चीजें बहुत आश्चर्य के साथ देख रहा था। द ओल्ड मैन हेल्ड अप अ फाइन गोल्ड वॉच विच स्पार्कल्ड विद ज्वेल्स। उसने एक बूढ़े व्यक्ति ने एक गोल्ड की सोने की वॉच पकड़ी हुई थी जिसमें हीरे लगे हुए थे जो कि चमक रहे थे। अ ब्यूटी लव द ओल्ड मैन, वॉट अ ब्यूटी, मतलब देख के खूबसूरती को सी हंस रहा था ओल्ड मैन। देन ही ड्रू अदर वॉचेस एंड एग्जामिन देम, और फिर दूसरी वॉचेस को देखकर एग्जामिन कर रहा था, उन सबको देख रहा था एक के बाद एक, और सबकी खूबसूरती को निहार रहा था। देन केम रिंग्स नेकलेसेस ब्रेसलेट्स एंड ब्रूचेस, फिर एक के बाद एक सारी ज्वेलरी जो होती है, नेकलेस हो गए, ब्रेसलेट हो गए, ब्रूचेस हो गए, सब कुछ वो धीरे धीरे करके निकाल निकाल के देख रहा था। फैगिन हेल्ड देम ऑल विद लविंग केयर, उसने बहुत प्यार से सब कुछ अपने पास संभाल के रखा था। सडनली ही टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स ओलिवर हू वॉज watching him. Oliver was away. He had seen all. अचानक से वो बूढ़ा व्यक्ति ओलिवर की तरफ मुड़ा और देखा कि वो जाग रहा है ओलिवर, और उसने सब कुछ देख लिया है। Fagin seized the bread knife and sprang towards the boy. उसने ब्रेड नाइफ लिया जो घर पे होता है हमारे, उसने तुरंत ही ओलिवर को डराने के लिए उसके गले पे वो चीज रख दी, नाइफ। यू वर वॉचिंग मी, और उसने कहने लगा कि तुम मुझे देख रहे हो, वॉट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा, Tell me quickly, तुमने क्या देखा। द ओल्ड मैन स्टूड ओवर ओलिवर रेडी टू स्ट्राइक हिम विद द नाइफ, और वो बिल्कुल तैयार था उससे जो उसने हाथों में फैगिन ने नाइफ लिया हुआ था उससे बिल्कुल रेडी था उसके ऊपर वार करने के लिए ताकि वो जल्दी से सच्चाई बता दे। आई कुडंट स्लीप सर, आई वोक अप, आई एम सॉरी वर यू अवेक एन आर अगो। ओलिवर डर गया, उसने कह दिया कि सॉरी सर, मैं जाग चुका था, मैंने सब कुछ देख लिया है, और मैं वर यू अवेक एन आवर आई गो। तो उसने कहा क्या तुम एक घंटे पहले ही जाग गए थे। नो सर, आर यू श्योर, फैगिन आस्क, फैगिन ने कहा तुम श्योर हो। विद हिज नाइफ एट द बॉयज थ्रोट, सर्टेन सर, यस सर्टेन सर, गले पे लगा दिया था नाइफ, उससे सवाल जवाब करने लगा। हाँ वेल माई डियर, देन इट्स ऑल राइट, अगर तुमने कुछ नहीं देखा है, इट वॉज जोकिंग। फैगिन पुट द नाइफ बैक ऑन द टेबल, आई वॉज ओनली ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मैं सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम तो एक बहादुर बच्चे हो, हा हा, यू आर अ ब्रेव बॉय ओलिवर। ही लाफ्ड एंड रब्ड हिज हैंड, और हंसने लगा और हाथों को मलने लगा। देन सडनली आस्क्ड, डिड यू सी एनी ऑफ माय प्रिटी थिंग्स, क्या तुमने कोई भी मेरी वस्तुएं देखी है सुंदर सी हैं जो बहुत, यस सर, उसने कहा हाँ सर मैंने देखी। फैगिन टर्न्ड पेल, फिर से गुस्सा आया। दे आर माइंड, ही सेड, आई एम कीपिंग देम फॉर ओल्ड एज, ये सब कुछ मेरा है, मैंने इन सबको अपने बुढ़ापे के लिए रखा हुआ है। आई शैल नीड देम देन,
तब मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। आई विल सून बी वेरी ओल्ड मैन माई डियर, मैं बहुत जल्दी बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति होने वाला हूँ। आई मस्ट हैव समथिंग लाइव ऑन व्हेन आई कांट वर्क, मस्ट मस्ट नॉट। उसने कहा कि इन सब की मुझे तब जरूरत पड़ेगी जब मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा, और इन सबको मतलब जैसे कि हम लोग बुढ़ापे के लिए कुछ सामान रखते हैं अपने लिए कुछ, ताकि हमें बुढ़ापे में काम ना करना पड़े और इसी से हमारा गुजारा हो जाए। तो फैगिन ने भी उसको यही समझाया कि ये सब चीज़ें मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी हुई, ताकि जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो ये मेरी सारी चीज़ें काम आएंगी। ये सर, आंसर्ड ओलिवर पोलाइटली। देन ही आस्क्ड मे आई गेट अप नाउ सर, तो ओलिवर ने कहा ठीक है सर, यस सर, अब क्या मैं उठ सकता हूँ? सर्टेनली माई डियर, सर्टेनली, जरूर जरूर उठ जाओ। फेच दैट जग ऑफ वाटर इन द कॉर्नर ओवर देयर, उस जग को उठाओ जो कि कॉर्नर में रखा हुआ है। आई विल गिव यू अ बेसिन टू वॉश इन, मैं तुम्हें एक बेसिन दूंगा जो उसमें तुम अपना तुम वॉश करोगे अपना हाथ मुंह जो भी उठने के बाद धोया जाता है। ओलिवर वेंट टू फेच द वॉटर, वेन ही टर्न राउंड द बॉक्स हैड गॉन। ओलिवर जब तक पानी उठाने गया और फिर उसने पलट कर देखा तो वो जो बॉक्स रखा हुआ था वो वहां पर नहीं था। ओलिवर हैड हार्डली फिनिश्ड वॉशिंग व्हेन द आर्टफुल डॉजर केम इन विद अ कंपेनियन। हार्डली वो अपनी वॉशिंग खत्म ही कर पाया था कि वहां पर आर्टफुल डॉजर जो कि उसको शुरुआत में मिला था, जो कि फैगिन के पास को लेकर के आया था, वो आ गया वहां पर। बट दिस वॉज चार्ली बेट्स, लेकिन वो नहीं था आर्टफुल डॉजर। सबको यहाँ पे आर्टफुल डॉजर इसलिए कहा जा रहा है कि जो कनिंग चालाक पर्सन होता है उसको आर्टफुल डॉजर कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लड़के थे वो सब फैगिन के शिष्य थे और उनके द्वारा सिखाए हुए थे, इसलिए यहाँ पे सबको आर्टफुल डॉजर के नाम से एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो लड़का वहां पर आया था उसका नाम था चार्ली बेट्स। दे ऑल सेट डाउन एंड हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर, सब एक साथ बैठे और सबने ब्रेकफास्ट किया साथ में। हाँ, ओलिवर इन्जॉयड इट, देयर वॉज हॉट कॉफी, देयर वॉज अ हॉट रोल्स एंड इवन हैम, वहाँ पर हॉट कॉफी थी, हॉट रोल्स थे और हैम भी थे। वेल माई डियर, फैगिन सेड टू द डॉजर एंड चार्ली बेट्स, डॉजर से और चार्ली बेट्स से कहा, आई होप यू हैव बीन वर्किंग दिस मॉर्निंग, मैं आशा करता हूँ कि तुमने सुबह काम किया होगा। ओ येस, लुक एट दिस, डॉजर हैंडेड टू लेदर पॉकेट बुक्स टू द फैगिन, उसने लेदर की पॉकेट बुक्स उसके हाथ में दे दी। फैगिन एग्जामिन्ड देन इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर बार उसने उसको देखा, दे आर नाइसली मेड ऑल्दो दे आर नॉट सो हैवी एज दे माइट बी, लेकिन ये इतनी हैवी नहीं जितनी की वो दिखाई दे रही है। ही सेड ही टर्न टू ओलिवर, द डॉजर इज अ क्लेवर वर्कमैन इज़न्ट ही, तो उसने ओलिवर से कहा कि ये डॉजर बहुत ही चलाक आदमी है, वर्कमैन है ना। ही आस्क्ड, ओ यस सर, वेरी, यस सर, वेरी, मतलब हाँ सर, बहुत चलाक है, वेरी क्लेवर, सेड ओलिवर। टू ओलिवर सरप्राइज द टू बॉयज बर्स्ट आउट लाफिंग, तो ओलिवर जितना सरप्राइज हो जाता था हर बात में डर जाता था, उसको देख देख के सारे लड़के वहाँ के हंसते थे। फिर से वहाँ के जो, और इस आंसर को सुनने के बाद वहाँ पे जो लड़के थे वो हंसने लगे। ही इज सिंपल इज़न्ट ही, एक्सक्लेम चार्ली बेट्स, चार्ली बेट्स ने कहा बहुत सिंपल है ये ओलिवर। नाउ चार्ली सेड फैगिन, चार्ली ने फैगिन से कहा, व्हाट हैव यू गॉट माय डियर, सेड फैगिन, फैगिन ने चार्ली से कहा, नाउ चार्ली व्हाट हैव यू गॉट माय डियर। चार्ली शोड हिम फोर सिल्क हैंडकरचीफ, चार्ली ने अपने पास से चार रेशमी रुमाल निकाले। फैगिन एग्जामिन्ड देम एंड सेड रबिंग हिज हैंड्स टुगेदर, बार बार वो अपने हाथ मलने की आदत थी, वो बार बार हाथ मल के चीजों को देखता था। यस दे आर गुड वंस बट आई एम अफ्रेड दैट मार्क्स विल हैव टू बी पिक्ड आउट, विल टीच यंग ओलिवर टू डू दैट, शैल बी बॉयज, चलो हम लोग ओलिवर को भी ये सारी चीजें सिखाते हैं जो कि तुम लोगों को आती हैं। अगेन टू ओलिवर सरप्राइज द बॉयज बर्स्ट आउट लाफिंग, फिर से ओलिवर जो घबराया अपना नाम सुन सुन के बार बार डर जाता था, तो फिर लड़के उसको देख करके हंसते थे। फैगिन टर्न टू ओलिवर, वुड यू लाइक टू पिक द मार्क्स आउट, ओ यस सर, दिस आंसर ऑल्सो मेड द बॉयज लाफ, ही इज एज ग्रीन एज ग्रास, बार बार बच्चे जो लड़के थे वहां पर ओलिवर के सब घबराहट को देख देख के हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एक्सक्लेम चार्ली बेट्स दैट ब्रेकफास्ट वॉज मेरी वन, चार्ली बेट्स कह रहा था कि बहुत ब्रेकफास्ट अच्छा था। वेन इट वॉज ओवर, फैगिन इन हाई स्पिरिट्स आज द डॉजर एंड हिज कंपेनियन, शैल वी शुड शो ओलिवर अवर गेम बॉयज, क्या हम जो गेम खेलते हैं ओलिवर को वो गेम दिखाया जाए। ही टर्न टू ओलिवर, वुड यू लाइक टू प्ले अ फनी गेम माय डियर, फैगिन ने ओलिवर से कहा कि तुम हमारे साथ एक फनी गेम खेलना चाहोगे, ओ यस सर, दे प्लेड अ स्ट्रेंज गेम,
Fagin put a watch in one pocket and pocket book in another. तो जब ओलिवर तैयार हो गया खेलने के लिए तो फैगन ने क्या करा कि वॉच को एक पॉकेट में डाल लिया और दूसरे में पॉकेट बुक को डाल लिया दूसरी पॉकेट में. ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन आउट फॉर अ वॉक और अपने आप को ऐसा दिखाने लगा कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति और घर से बाहर निकला है वॉक के लिए. नाउ एंड देन ही स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज लुकिंग इन अ शॉप विंडो. फिर उसने ये दिखाया कि वो एक दुकान में खड़ा होकर शॉप विंडो में विंडो शॉपिंग मतलब शॉप में खड़ा होकर देख रहा है. द डॉजर एंड चार्ली बेट्स क्रेप्ट आफ्टर हिम लाइक शैडोज दे क्रेप्ट आफ्टर हिम व्हेन फैगन स्टॉप दे स्टॉप. मतलब यहाँ पे कहने का है कि फैगन जो है वो ओलिवर को वो जो वो लोग खेल खेलते थे उसके बारे में सिखा रहा था. जो लोग खेल खेलते थे मतलब कि वो लोग जो चोरी का खेल खेलते थे वो उसको सिखा रहा है, लेकिन अभी ओलिवर को वही बता रहा है कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं तो तुम उसको सीखो. ये बाद में ओलिवर समझेगा कि वो लोग असलियत में क्या है ये गेम. अभी तो वो उसको इस तरीके से शो कर रहा है कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं उसको तुम सीखो कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं एक शॉप में खड़ा हूँ, मैं और तुम मेरा पीछा करो एकदम शैडो की तरह, जैसे शैडो चलती है साथ साथ वैसे तुम लोग भी साथ साथ चलो, जहाँ मैं रुकूँ वहाँ पर तुम रुक जाओ, जहाँ पर मैं चलूँ तो तुम भी चल दो. Dodger stepped on Fagin's foot. Charlie Bates pushed the old man from behind. In that moment, the boy snatched the watch and pocketbook out of Fagin's pocket. तो चार्ली बेट्स ने क्या दिखाया कि उसने तुरंत ही खींच ली वॉच और पॉकेटबुक उसकी पॉकेट से जो बूढ़ा व्यक्ति बना था फैगन. द बॉय स्नैच्ड द वॉच. इट वॉज डन सो क्विकली दैट ओलिवर कुड नॉट बिलीव हिज आईज. इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि ओलिवर के अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था. बट फैगन वॉज सो फनी दैट ओलिवर हैड टू लाफ. लेकिन फैगन इतनी हंसी मजाक वाला व्यक्ति था कि मतलब इस तरीके से उसको शो कर रहा था कि ओलिवर को हंसी आ गई और वो लोग हंसने लगे. He laughed till he cried. इतना हंसे कि जब तक आंखों में आंसू ना आ गए. They played this game several times. इस गेम को उन्होंने बहुत बार खेला. Then Fagin said to Oliver, "Now you try, my dear. अब तुम भी एक बार ट्राई करो. Oliver, he put a silk handkerchief in his pocket. See if you can take out this out without my knowing it. Oliver was eager to please the old man. और Oliver बहुत उत्सुक था Fagin को खुश करने के लिए. तो फैगिन ने उसको एक काम दिया कि मेरी पॉकेट में हैंकर चीफ होगा और तुम इसको ऐसे निकालना कि मुझे पता भी ना चले. ओलिवर वॉज ईगर टू प्लीज ओल्ड मैन. ही क्रेप्ट अप बिहाइंड हिम. देन ही एज द डॉजर हैड डन ही हेल्ड द बॉटम ऑफ फैगिन्स पॉकेट विद वन हैंड विद द अदर ही स्नैच्ड द हैंकर चीफ. इज इट गॉन आस्क्ड फैगिन इन सरप्राइज. लुक सर आई हैव गॉट इट. यू आर अ क्लेवर बॉय माई डियर फैगिन टोल्ड हिम. फैगन ओलिवर ने जो खेल बड़ी देर से वो देख रहा था वो खुद पे आजमाया और करके दिखा दिया उन लोगों को. रबिंग हिज हैंड्स हियर अ शिलिंग फॉर यू. इफ यू गो ऑन लाइक दिस यू विल बी अ ग्रेट मैन. तुम अगर इस तरीके से चलते रहे तुम्हारे लिए एक अवार्ड है. अगर तुम इसी तरीके से चलते रहे तुम एक महान व्यक्ति बनोगे अ ग्रेट मैन. ओलिवर अगेन द ओल्ड मैन रब्ड हिज हैंड एंड गेव अ बिग स्माइल. बिग स्माइल देता रहा बहुत बुरी तरीके की जो स्माइल होती है वो दी कृष्ण स्माइल और जो चोर चक्के देते हैं. Then he went on, but you've lot to learn first. लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. You'd better begin by picking the marks out of those handkerchiefs. Come here, I'll show you how to do it. Oliver was soon busy over this task. फिर से ओलिवर ने जो दोबारा जो टास्क करने लगा उसमें ओलिवर बिजी हो गया. तो फ्रेंड्स ये था हमारा 5th चैप्टर ओलिवर ट्विस्ट का. आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है स्टॉप थीफ ओलिवर ट्विस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.